गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 10:50 निफ्टी स्पॉट चल रहा है 18,233। अभी आप लोग समझे फ्राइडे को 3:15 के बाद हम लोग सब पुट में प्रॉफिट क्यों ले लिए, सब बैंक्स के पुट्स और जो भी पुट्स थे क्यों ले लिए, क्योंकि 18,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया, 18,000 के नीचे नहीं चला। मार्केट क्या करेगा, मार्केट जितने भी शॉर्ट टर्म शॉर्टर्स बियर्स है उनको पहले भगा देगा, उसके बाद गिरेगा, डेफिनेटली इसके बाद गिरेगा। तो कल संडे वाला वीडियो में क्या क्या लेवल दिए थे याद करो, ऊपर का लेवल 18,260 यही सब लेवल दिए थे ना। हाँ ओके, क्या बोले थे, ये सब लेवल 18,260 इसके ऊपर सस्टेन करेगा चलेगा तो ऊपर का यात्रा शुरू, नहीं तो नहीं। तो हम लोग वेट कर रहे थे ऊपर चढ़ने का, निफ्टी का चढ़ गया, प्रॉफिट तो उस दिन पुट में ले ही लिए थे फ्राइडे को। तो अब क्या करना है बताता हूं। निफ्टी फ्यूचर का एक लेवल नोट करिए, 18,214 निफ्टी फ्यूचर, इसके नीचे आ गया, सस्टेन किया, चलने लगा तो आज के लिए शॉर्ट आ जाएगी। तब आपको क्या करना है देखिएगा, कौन सा इंडेक्स ज्यादा गिर रहा है, कौन सा सेक्टोरल इंडेक्स ढूंढिए और उसमें पुट मार दीजिए। बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा तो बैंक का कोई पुट मार दीजिए, या तो बैंक निफ्टी का पुट ले लीजिए। निफ्टी नीचे गिरा तो इन द मनी इंट्राडे में निफ्टी का कोई पुट ले लीजिए और आज ही प्रॉफिट ले लीजिए। बस बात तो सिंपल है, नीचे प्रॉफिट बुक करो, बाउंस आने दो, सेल ऑन राइज का एंट्री के लिए वेट करो, उसके बाद ठोक दो। ठीक है, चलो, थैंक यू।